असलम एवरीवान वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग तो आज आपके साथ मैं एकदम सिंपल और एकदम टेस्टी चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दो टाइप के कबाब मैंने बनाई हूँ आज तो ये वाले हैं कच्चे खीमे के कबाब और सेकेंड वाले जो अपन चिकन श्रेड करके बनाते हैं ना वो वाले कबाब इसके लिए मैंने थोड़ा सा वाइट सॉस प्रिपेयर किया था तो स्टेप बाई स्टेप आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी लेकिन आज है ना ये सारे कबाब मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर के हेल्प से बनाई हूँ तो ये मैंने रिसेंटली मंगवाया था मतलब खास कबाब के लिए मतलब मुझे चिकन का खीमा बनाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती थी और फिर मिक्सर में करना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता था तो मैंने सर्च करके ना ये इंस्टा कप्पा का इलेक्ट्रिक चॉपर मैंने ऑर्डर किया था तो चॉपिंग के साथ साथ है ना हम इसमें लहसन को भी क्लीन कर सकते तो सबसे पहले ना मैं आपको लहसन का ही करके दिखाती हूँ क्योंकि लहसन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है तो यहाँ पर ना मैंने दो अक्खी लहसन ली थी उसके ना मैंने कलिया अलग करके ली और ये वाला टूल है ना हमें लहसुन के लिए यूज़ करना है तो आप अगर गार्लिक पीलर नहीं चाहते ना तो ये और सस्ता है मतलब 1500 में है और अगर ये पीलर के साथ अगर आप लेते हो तो एट हंड्रेड एक्स्ट्रा मतलब मुझे टोटल 2300 में मिला है तो लहसन क्लीन होते टाइम है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है और वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी ना करके मैं बीच बीच में खोल के भी देख रही थी कि हुई कि नहीं हुई तो वो पूरी नहीं हुई थी इसके लिए मैंने उसको फिर से चलाया अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी लहसन हुई है तो पहले इसमें ना अराउंड 40 टू 45 फाइव परसेंट लहसन क्लीन हो गई थी तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना अलग करके ले रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ जो फर्स्ट कली मैंने निकाली ना वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी बीच में जो है वो आधे हुए थे और इतने सारे क्लीन हो गए थे तो, तो मैंने क्या किया जो क्लीन नहीं हुए थे वो मैंने फिर से डाली तो सेकेंड टाइम मैंने डाला था उसके बाद भी मतलब पूरे नहीं हुए जितने डाले थे उसमें से कुछ हुए और कुछ वैसे ही थे तो अभी मैं थर्ड टाइम फिर से लगा रही हूँ अभी ये मैं लास्ट ट्राई कर रही हूँ कि पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है तो इसमें से भी ना कुछ हुए कुछ नहीं हुए इसका एक है कि अगर साफ की हुई लहसन छिलके वाले लहसुन के साथ घूमती रहेगी ना तो वो डैमेज होती है तो एक कली है ना थोड़ी सी डैमेज हुई थी तो इसका है ना 70 टू 80 परसेंट लहसन क्लीन हो ही जाती है आप देख सकते फाइनल रिजल्ट मुझे यूज़फुल लगा तो नेक्स्ट अभी मैं बनाने वाली हूँ चिकन का खीमा तो ये जो कंटेनर दिया गया है ना उसकी कैपेसिटी दो लीटर है और इसको पूरा फुल नहीं करना है उन्होंने मार्किंग दिया है कि इतना ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं चिकन या मटन जो भी है उसके अलावा गार्लिक पिलर तो मैंने आपको दिखाया और एक टूल है वो है विस्कर है मतलब आप लस्सी या फिर अंडा वगैरह उसमें फेंट सकते हैं और ये जो चॉपिंग ब्लेड है ना वो बहुत ही शार्प है बहुत ही केयरफुल यूज़ करना है और नीचे एंटी स्लिप रबर दिया गया है वो स्टेबल रहने के लिए तो अपना चिकन कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ना मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली हो और इसमें मैं बाइंडिंग के लिए ऐड करूँगी पाव तो आप है ना इस मतलब ब्रेड भी ऐड कर सकते लेकिन मेरे पास पाव पड़े हुए थे इसके लिए मैं पाव यूज़ कर रही हूँ तो अगर आप ब्रेड ऐड करोगे ना तो इसमें चार ब्रेड ऐड करो मैं यहाँ पे दो पाव ऐड करूँ कि पाव बहुत बड़े थे इसके लिए तो सबसे पहले ना चिकन को चिकन का खीमा बना के ले लेंगे तो चिकन के खीमे के साथ है ना यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च ऐड की हूँ तीखा आप कम ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते लेकिन चार मुझे परफेक्ट लगे और ये तीखी वाली मिर्ची है तो मोटर के ऊपर है ना तीन बटन दिए गए हैं एक नॉर्मल स्पीड मतलब विस्कर के लिए सेकेंड नॉर्मल चॉपिंग के लिए और थर्ड जो है हाई स्पीड खीमा वगैरह बनाने के लिए तो मैंने ना पहले वन पे चला के देखा था तो नॉर्मल खीमा हुआ है मतलब ज़्यादा बना नहीं मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मैंने बीच बीच में खोल के देखा और इसको कंटिन्यू चलाने से ना ये मोटर गर्म भी हो जाती है तो सेकेंड टाइम में मैंने थोड़ा सा हाई स्पीड पे चलाया था तो अच्छे से कीमा बन गया है मतलब जैसा मुझे चाहिए था अभी ये पॉइंट पे ना मैंने पाव को ना पानी में भिगा के उसका पूरा पानी निकाल के आ, लिया था अभी मैं उसको ऐड कर रही हूँ उसके बाद अभी हम सार सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे तो आधा किलो के लिए ना यहाँ पे आधा चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच भर के हम डालेंगे चाट मसाला उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ आधा चम्मच आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाला है और एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट उसके अलावा आधे नींबू का रस ऐड करेंगे बस इतने ही ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं अभी मैं इसको बस जस्ट मिक्स करके ले रही हूँ हमें इसका बहुत ज़्यादा अभी बारीक पेस्ट नहीं बना के लेना है तो अभी अपना है ना ये बैटर बन के रेडी है कबाब का और मैंने ना इसमें कोथमीर डालना भूल गई थी मुझे देखना था कि मतलब चॉप हो रही थी लेकिन मुझे बाद में याद आया तो मैंने ना हाथ से ही कट करके डाली हूँ तो अभी है न सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना बैटर बन गया ना तो मैं छोटे छोटे गोले मतलब छोटे छोटे कबाब बना के देखती हूँ मतलब टेस्ट कैसा आता है क्योंकि कच्चा टेस्ट करेंगे ना समझ में नहीं आता तो मैंने ना दो छोटे कबाब बना के उसे फ्राई करके लिए और एकदम परफेक्ट बने थे एकदम टेस्टी आ, तो अभी मतलब बैटर मेरा बन के रेडी है तो अभी है न उसको शेप दे के ना अंडा और ब्रेड क्रम लगा के ले लेंगे तो अंडे में ना मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था तो ये कबाब का बैटर परफेक्ट बना है कि नहीं ये चेक करना है ना तो आप एक कबाब बना के देखो अगर मतलब वो बनते टाइम है ना टूटना नहीं चाहिए बनाने के बाद भी अगर हम ऐसा ऊपर से भी पकड़े ना तो देखो ये टूट नहीं रहा है मतलब अपना बाइंडिंग है ना प्रॉपर हुआ है ये एकदम बनने के बाद एकदम सॉफ्ट और जूसी लगेंगे और इसे है ना थोड़ा से फ्लैट ही बनाना है क्योंकि कच्चा कीमा है अंदर तो उसको थोड़ा पकने के लिए टाइम जाएगा और इसको बनाते टाइम भी है ना फ्राई करते टाइम भी ना एकदम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करने तो देखो मैंने ना मतलब जितने फ्लैट हो सकते उतने फ्लैट बनाई हूँ तो सारे कबाब बन गए तो अभी इसको ना कुछ घंटों के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे उसके बाद इसको कंटेनर में डाल के हम फ्रीज़ कर सकते तो मैंने कुछ घंटे के लिए रखा था आप देख सकते हैं मतलब थोड़े से कड़क हो गए पूरे नहीं हुए लेकिन डब्बे में रखने के बाद ना वो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं तो आधा किलो चिकन में ना मेरा अराउंड पंद्रह से सोलह कबाब बने हैं क्योंकि मैंने थोड़े बड़े बनाए हूँ अगर आप साइज़ छोटी बनाओगे ना तो ये और भी बनेंगे तो अभी इसको मैंने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है अभी हम इसे आराम से एक महीने के लिए खा सकते हैं तो अभी मैं आपके साथ दूसरी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे ना मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है सब मतलब लेग पीस वगैरह फिर विंग्स वगैरह वे सब कुछ है इसमें तो अराउंड है ना ये 600 से 700 ग्राम चिकन रहेगा तो इसमें है ना मैंने एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है चिकन के हिसाब से मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ और मैंने एक गिलास पानी डाला है अभी इसको ना हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे तो कुकर में रखेंगे ना तो फटाफट हो जाता है और मुझे इसका पानी चाहिए इसके लिए ना मैंने इसमें एक गिलास भर के पानी डाला है क्योंकि ये स्टॉक है ना हम सॉस बनाते टाइम यूज़ करेंगे तो अभी मैंने ना चिकन को छान के ले लिया अभी इसको ठंडा करके ना हम श्रेड करके ले लेंगे तो चिकन को ना मैंने जाड़ा जाड़ा ही श्रेड किया था अभी मैं है ना इसे चॉपर में ऐड करके जो बचा हुआ श्रेड करना है ना बारीक बारिक वो मैं करके लूँगी हाथ से करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता था और ये चॉपर की वजह से है ना बहुत ईजीली श्रेड हो गया तो इसे ना मैंने कुछ सेकंड के लिए ही चलाया था क्योंकि थोड़ा सा जाड़ा ही श्रेड करना है क्योंकि फिर खाते टाइम ऐसा लगना चाहिए कबाब में कि चिकन है एकदम बारीक करेंगे तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता तो आप अभी देख सकते एकदम परफेक्ट श्रेड हुआ है जैसे चाहिए था वैसे तो अभी इसका सॉस बना के लेंगे तो मैंने एक चम्मच भर के ना यहाँ पर बटर लिया था उसके बाद मैंने उसमें डाला टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च और एक कांदा मैंने चॉप करके डाला है अभी इसमें है ना अभी सॉस के हिसाब से नमक ऐड करेंगे चिकन में हमने चिकन के हिसाब से ऐड किया था तो कांदा है ना नरम होने के बाद अभी इसमें हम डालेंगे मैदा तो यहाँ पे तीन चम्मच भर के मैं मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदे को ना बहुत अच्छे से अभी भून के लेंगे कांदे के साथ तो मैदा अच्छे से भूनने के बाद है ना हम चिकन का स्टॉक ऐड करेंगे और फिर इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहना है उसके लम्स नहीं होने चाहिए उसके बाद मैं अभी डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच भर के ब्लैक पेपर पाउडर एक छोटा चम्मच भर के रेड चिली फ्लेक्स और अभी इसमें हम डालेंगे चीज़ और ऑरगेनो सीजनिंग तो ऑरिगेनो सीजनिंग मेरे पास ख़त्म हुआ था तो ये पिज़्ज़ा का पड़ा हुआ था तो एक छोटा सा से सेशो मैंने उसमें ऐड कर दिया अभी इसमें हम ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन तो मैंने दिखाया था आपको मैंने सारे बोन वाले पीस ली थी ना तो फिर ये चिकन अराउंड साढ़े तीन सौ से चार सौ ग्राम ही निकला रहेगा उसमें से तो वही हिसाब से मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है अभी इसको ना हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे तो अभी लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ तो यहाँ पे दो चम्मच भर के मैंने चीज़ डाला है अब आपकी चॉइस के हिसाब से ना कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे और मैंने थोड़ा टेस्ट किया तो थोड़ा सा तीखा कम लगा तो मैंने और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है इसके अंदर अब इसको ठंडा करके ना एक बाउल में निकाल के हम इसको फ्रीज में रखेंगे थोड़े टाइम के लिए क्योंकि फिर है ना थोड़ा सा ये पतला हो जाता है फिर फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा कड़क हो जाएगा ना तो शेप देने के लिए आसानी हो जाएगी ऊपर से मैंने ना थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल दिया अभी हाथ को थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके हम है ना इसके शेप दे के लेंगे तो मैंने बहुत टाइम नहीं रखा था थोड़ा ही टाइम रखा था तो बैटर है ना बहुत ज़्यादा कड़क नहीं हुआ मतलब थोड़ा सा पतला ही था बस मुझे टाइम नहीं था करके मैंने फटाफट निकाल के ना फिर उसके कबाब बना के ले लिए तो अभी इसके अंदर भी है ना पंद्रह से सोलह ही कबाब बने लेकिन ये भी कबाब बहुत अच्छे बने थे बहुत आसान है बनाने के लिए बहुत कम चीज़ों में बनते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अभी ये सारे कबाब मैं अभी फ्रीज़र में रख रही हूँ कुछ घंटों के लिए फिर वो थोड़े कड़क हो जाएंगे ना फिर हम इसको आराम से एक के ऊपर एक एयरटाइट कंटेनर में रख सकते तो ये दो कबाब की रेसिपी एकदम सिंपल थी और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना दो कबाब फ्राई करके है ना सलमान को दूंगी और फिर उनको पूछूंगी कि कौन से कबाब मैं रिपीट करूँ तो फिर अभी है ना मैं दो कबाब फ्राई करके ले रही हूँ जो कच्चे खीमे वाला जो बड़ा कबाब है वो और इसमें भी एकदम स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि कच्चा चिकन है अंदर तो फिर उसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है तो दोनों भी कबाब फ्राई हो गए तो इसमें ना मैं एक छोटा सा क्यूब निकाल रही हूँ चटनी का और इसके साथ सर्व कर रही हूँ और सलमान को ना दोनों का बब अच्छे लगे उन्होंने बोले दोनों भी रिपीट करेगी तो भी चलेगा तो अभी मैं है ना बीच में से कट करके आपको दिखाती हूँ एकदम बर्गर टिक्की जो रहती है ना वैसे ही बने मतलब वैसा ही शेप अंदर से वैसे ही दिख रहे एकदम बहुत अच्छे बने एकदम सिंपल रेसिपी है तो ये जो कच्चे खीमे वाले थोड़े से कड़क रहते कंपैरिजन में वाइट सॉस वाले वाइट सॉस वाले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी रहते हैं अंदर से तो अभी है ना मैं जो कच्चे कीमे के मैंने कबाब बनाई थी ना सेम वे वैसे ही कबाब अभी रिपीट कर रही हूँ बस मैंने ना इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया है मुझे कांदा भी चॉप करके देखना था कि इस ये चॉपर में अच्छे से चॉप होता है कि नहीं तो मैंने एक कांदा लिया है दो तीन हरी मिर्च थोड़ा सा पुदीना और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते तो अभी है ना हम इसको चॉप करके देखते हैं चॉप तो नॉर्मल चॉपिंग के लिए ना जो एक नंबर वाला बटन दिया है ना उसे प्रेस करना है और अभी आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से चॉप हुआ है मतलब इसमें आप कम चीज़ें डाल के भी है ना चॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं बहुत अच्छे से चॉप हुआ है तो अभी है ना मैं इसमें आधा किलो चिकन ऐड कर रही हूँ मतलब जैसे मैंने वो वाले कबाब बनाई थी ना सेम में वैसे ही ये वाले बना रही हूँ तो कच्चे खीमे की ना रेसिपी बिल्कुल सेम थी बस एक ही अल्ट्रेशन था मैंने वाइट पेपर के जगह पे ब्लैक पेपर ऐड किया था और बस यहाँ पे ना मुझे एक गलती लगी मतलब मैंने ना कांदा जो चॉप किया था ना वो मैंने निकाल के लेना चाहिए था और फिर मैंने चिकन का खीमा बनाना चाहिए था मैंने दोनों साथ में पीसे ना तो फिर कांदा बहुत ज़्यादा पीसे गया और फिर उसकी पेस्ट बन गई तो वो टेस्ट ना कबाब में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन ठीक है अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अभी मुझे समझ में आया अगर आप चॉपर यूज़ करते हो ना तो कांदा अगर बारीक करते हो पहले तो उसको निकाल के लो और फिर उसको खीमा बनने के बाद लास्ट में उसको सिर्फ एक मिक्स करके लो तो बहुत अच्छा लगेगा तो फिर अभी है ना कांदे का वो क्रंच नहीं आ रहा था ना तो मैंने हाथ से कट करके कांदा और हरी मिर्च मैंने ऐड की फिर से तो ये था आज का वीडियो आई होप आपको दोनों कबाब आपकी रेसिपीज अच्छे लगे रहेंगे और मैंने आपके साथ चॉपर का रिव्यू भी शेयर किया है मतलब अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय